नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। मशहूर वकील हरीश सालवे ने अब तीसरी शादी की है। हरीश सालवे ने रविवार को तीसरी शादी की। इससे पहले साल 2020 में उन्होंने दूसरी शादी की थी, लेकिन ये शादी लंबे वक्त तक टिक नहीं सकी। हरीश सालवे की उम्र 68 साल है। भारत सरकार की तरफ से भी हरीश सालवे कई केस लड़ चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में हरीश सालवे ने भारत की तरफ से केस लड़े हैं। संविधान समेत सभी कानूनों पर हरीश सालवे की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। वो जब कोर्ट में दलील रखते हैं तो जज भी उनको उनकी बात को गौर से सुनते हैं। हरीश सालवे ने साल 2020 में 56 साल की ब्रिटिश कलाकार कैरोलिन से शादी की थी। कैरोलिन की पहली शादी से एक उनकी बेटी भी है। हरीश सालवे और कैरोलिन की शादी लंदन में हुई थी। उस समारोह में दोनों के परिवार से कुल 15 लोग ही शामिल हुए थे। कैरोलिन से शादी के वक्त हरीश सालवे ने कहा था कि वो बुरे दौर से जब गुजर रहे थे तो कैरोलिन ने उनको सहारा दिया। सालवे ने कैरोलिन से शादी से 2 साल पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था। हरीश सालवे की शादी कैरोलिन से एक चर्च में हुई थी। हरीश सालवे की बात करें तो वो मराठी हैं। उनके पिता का नाम KNP सालवे था। हरीश सालवे के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और हरीश सालवे की माँ अमृति सालवे पेशे से डॉक्टर थी। हरीश सालवे की तीसरी पत्नी का नाम ट्रीना है। ट्रीना ब्रिटिश मूल की रहने वाली है। वकील बनने के बाद हरीश सालवे ने पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबाजी के साथ भी काम किया। बतौर वकील हरीश सालवे का बहुत नाम है। कुलभूषण जाधव, रतन टाटा और साइरस मिस्ट्री के बीच विवाद, सलमान खान का हिट एंड रन केस और वोडाफोन टैक्स विवाद इनमें से भी बहुत चर्चित हुए। कुलभूषण जाधव की मौत की सजा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रुकवा ली थी, जिसके एवज में भारत सरकार से सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी। फिलहाल हरीश सालवे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई मामले में भी वकील हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।